बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती ने कहा कि जो हमारा हाथी है वह योगी जी की नींद उड़ाए हुए है, तो योगी जी को अपनी हर चुनावी जनसभा में और कहीं ना कहीं हाथी का जिक्र करना ही पड़ता है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। इसके साथ ही गोरखपुर मंडल से बीजेपी और अन्य विरोधी पार्टी का जरूर सफाया करना है और योगी जी को उनके मठ में और उनके परिवार में वापस भेजने का काम आपको करना है। उन्होंने प्रदेश की जनता से वादे तो काफी बड़े बड़े किए, लेकिन वादे पर अमल ना के बराबर ही किया। इतना ही नहीं बल्कि अपनी जातिवादी व संकीर्ण मानसिकता के चलते इन्होंने दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की हर स्तर पर काफी ज्यादा उपेक्षा की है तथा मुसलमानों के विकास व उत्थान पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती ने कहा, आज गोरखपुर में इस अपार भीड़ को देखकर मुझे यकीन हो गया है कि आप लोग बीएसपी की सरकार फिर से बनाएंगे और अपनी बहन जी को पांचवी बार मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे और योगी जी को जहां उनकी सही जगह है वहां उनको आप लोग जरूर भेजेंगे।
की कंप्लेंट भेज करके काम करने का आंसर है। नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के गोरखपुर मंडल के सभी उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ लाखों लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने मतदाते पर ही पूरी तैयारी व जानकारी के साथ फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रहे, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे कई बड़े शासन से मुक्ति ले सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से दिल्ली की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यह सब समाज के लोगों को टिकट दीजिए। और अब इस चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस बीजेपी सपा या अन्य विरोधी पार्टियों को लेकर केवल अपनी एकमात्र की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना तो जरूरी है, उसे आप लोगों को समझना हो। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी के लिए अकेले सरकार ने कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक बार रोके मसीहा वह भारतीय के मूल्य निर्माता और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इसी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपने पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले माननीय श्री कांतिलाल जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय उसी कांग्रेस पार्टी की नई सरकार ने सरकार से ही लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार ने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र या अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों के खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के व अन्य और मानों ने भी इस पार्टी की सच्चाई को यह है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में अच्छी होती है और इनके अच्छे भी होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व्यवस्था आदि याद नहीं आता है और ना ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सबका वह बीजेपी आदि की बड़ी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफ़ी ज़्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज़्यादातर यहाँ गुंडों बदमाशों माफियाओं
अराजकता को जब सरेआम लोग पसंद कर ले एवं बल्ले फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा जमा तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रहे हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के लोगों को हमारी सरकार ने जो अनेकों सुविधाएं दी थी, तो उन्हें भी सपा सरकार ने ज्यादातर खत्म कर दिया है। साथ ही इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में हमारी सरकार द्वारा जनहित की अनेकों योजनाओं के व नए बनाए गए जिलों के तथा यूनिवर्सिटी व पार्क आदि के जो भी नाम रखे गए थे, तो उन्हें भी अधिकांश सपा सरकार ने बदल दिया है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए बच्चों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी ये वर्तमान भाजपा सरकार ने सही से पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि अभी सरकार ने भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं।